हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऑयल और उसके फ़वाद। देखिएगा, ये है लेवेंडर ऑयल। इसकी डिटेल्स अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये है हिमानी का लेवेंडर ऑयल। हिमानी हर्बल का लेवेंडर ऑयल है। ये है 30 ml यानी 30 ml की बोतल है। मेड इन पाकिस्तान है ये हिमानी का। इसकी प्राइस है 285। ये मुझे 285 में मिल गया था। अब मैं आपको अंदर से खोल के बताती हूँ। देखें, शीशे की जार में है ये। इस तरह की बॉटल में, शीशे की बॉटल है और इसके अंदर ऑयल है। देखें, नॉन स्टिकी है ये ऑयल। अब मैं आपको इसके फवाइद बताऊंगी साथ साथ कि लेवेंडर ऑयल के क्या फ़वाद होते हैं और आपको इसको किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पंफलेट भी मौजूद है, लीफलेट जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर इसके फ़वाद लिखे भी हैं। ये देखें, लेवेंडर ऑयल ये इस तरह का एक पौधा होता है। लेवेंडर जो है ये उर्दू में इसको कहते हैं अस्तोखुदूस। ये पंसारियों और हकीमों के पास मिलता है, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। काफ़ी जो होती हैं दिमागी बीमारियां वगैरह, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी मेडिसन में इसका यूज़ होता है और क्रीम्स और शैम्पूस में भी। इसके देखें बेनिफिट्स लिखे हुए हैं इसी लीफलेट पर। सबसे पहले लिखा हुआ है हिमानी लेवेंडर ऑयल इज़ 100% नेचुरल। अब बताया गया है कि लेवेंडर फ्लावर से ये बनता है और स्टीम के ज़रिए थ्रू बनाया गया है ना, जो प्रोसीजर्स होते हैं ऑयल निकालने के, तो उसमें बिल्कुल जो सेफ तरीका है स्टीम वाला, उसके ज़रिए बनाया गया है और साफ़ सुथरा ये तेल है। और इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है। अब देखें, इसके कुछ बेनिफिट्स बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि ये ऑयल जो है, ये अगर आप इसके साथ मसाज करें फेस पे, तो आपकी स्किन को सूद करता है। और ये सीरम्स में भी यूज़ होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो इसकी बनाई भी है सीरम के ऊपर, जिसमें इसका इस्तेमाल है। आप वीडियो वो वाली देख सकते हैं। अच्छा जी, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके बहुत से फ़वाद हैं। साथ साथ ये नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है और हेल्प्स इन ट्रीटिंग माइग्रेन्स, यानी माइग्रेन्स जिनको आधे सर का दर्द होता है, बाकी सर का दर्द होता है, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। उसके लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब सर दर्द हो तो थोड़े से कतरे लेके इसके आप अपने जो हेडेक या माथे पर इस पर लगा लें, तो कुछ टाइम के बाद आप को फ़र्क पड़ेगा। हेल्प्स इन डिस्ट्रेसिंग एंड प्रोमोट स्लीप, यानी जिन लोगों को बेख्वाबी की शिकायत होती है, वो इसको इस्तेमाल करें तो उनको फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा ये डिप्रेशन में भी कमी लाता है। जो मस्कुलर पेन होते हैं लोगों को, या कमर में दर्द हो या मस्कुलर पेन हो, पट्ठों में दर्द हो, तो उस पर भी आप इसको मालिश करें किसी तेल में मिला के, तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। और इसका एक और इस्तेमाल भी बताया गया है कि यूज़फुल फॉर हेयर ट्रीटमेंट एज़ इट रिमूव्स हेयर लाइस, यानी जुओं के ये भी इसका इस्तेमाल होता है। और छोटे बच्चों के सरों में अक्सर जुएं पड़ जाती हैं। इसके लिए मदर्स को चाहिए या माओं को चाहिए कि कोई भी जो तेल आप सर में इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए, तेल में आप लेवेंडर ऑयल को मिला लें थोड़ा सा, और मिलाने के बाद आप लेवेंडर ऑयल का जो तेल बनाया होगा अपने साथ किसी भी तेल में जो आप इस्तेमाल करती हैं बच्चों के बालों पर, तो वो तेल बच्चों के बालों में आप लगा लें।
1 घंटा आप छोड़ दें और उसके बाद सर जो है उनका धो लें। कुछ अर्सा इस्तेमाल से आपको काफ़ी फ़र्क पता चलेगा। जो बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, छोटे हैं, उनके सर में जल्दी जुएं पड़ जाती हैं, तो ये रेमेडी उनके लिए भी है। लेवेंडर ऑयल आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थे कुछ फ़वाद लेवेंडर ऑयल के जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप उम्मीद है कि आप को ये पसंद आया होगा लेवेंडर ऑयल। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। हिमानी का लेवेंडर ऑयल जो है बहुत नेचर और अच्छी स्मेल वाला है और केमिकल से पाक है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।